नाराजगी हमारे प्रशासन से है। इन्होंने इनके लाड़ प्यार में स्कूल वाले आज इतने सिर पे चढ़ गए हैं, अब इनके सिर पे चढ़ के बैठ गए और पूछ रहे तुम होते कौन हो हमें सलाह देने वाले। कल एक पेरेंट का फोन आया था मुझे, शायद वो यहाँ तक कह रहा था कि मैं कुछ कदम उठाना चाहता हूँ, मेरे बच्चों की कोई जिम्मेदारी ले लो, कोई बच्चों को गोद ले लो। हमने स्कूलों में एडमिशन लिया था उनकी फैसिलिटीज देखकर। इंडिया में कानूनन स्कूल एजुकेशन बिजनेस नहीं है, ये चैरिटेबल काम है, चैरिटेबल काम है। स्कूल भी तो ये तर्क देते नजर आ रहे हैं कि भाई हम कहाँ से सैलरी देंगे उनको। इस बात को समझिए, हर कोई अपनी सेविंग से, अपने पुरानी बचत से काम चला रहा है। 2 करोड़ रुपया हर एक स्कूल को कैश में आया है, कैश में आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी, समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं व्यक्ति निर्माण में सबसे बड़ी पूंजी होती है शिक्षा, लेकिन शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल्स आज फीस लेने पर आमादा हैं, वो भी इस कोरोना काल में। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज चांदगोटिया जी, वकील और सोशल एक्टिविस्ट, और नितिन गोयल जी जो कि प्रेसिडेंट हैं पेरेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ के। तो आपका स्वागत है सर स्टूडियो में। नितिन जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि ये क्या है, मसला क्या है, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले डेफर किया, उसके बाद अब नया एक ऑर्डर पास कर दिया है, तो इसमें पेरेंट्स कहाँ पे उलझे हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा है जी, लगभग 23 मार्च से देश में लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले स्कूल बंद हुए। लॉकडाउन में धीरे धीरे रियायत आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है पूरा सब कुछ भी खुल जाएगा, स्कूलों का लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ये नहीं पता ये 2 महीने, 6 महीने, 9 महीने या ये पूरा एकेडमिक सेशन, पूरा साल भी हो सकता है स्कूल बंद रहे। तो आज हम जो बात करें या प्रशासन सरकार जो भी फैसला ले, ये सोच के करे कि कब तक बंद पड़े स्कूलों को फीसें दिलवाएंगे पेरेंट्स से। बिना किसी पब्लिक से या पेरेंट्स से सलाह मशवरा किए आनन फानन में 30 मार्च को चंडीगढ़ प्रशासन ने एक ऑर्डर कर दिया जिसमें फीस की पेमेंट को डेफर कर दिया। फीस माफ़ नहीं की, लेकिन फीस को के भुगतान को सिर्फ पोस्टपोन कर दिया। हम इसे सहमत नहीं थे उस समय भी, क्योंकि इससे तो पेरेंट्स के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमारे पास कौन सा खजाना या लॉटरी लग जाएगी, हम कहाँ से पे करेंगे। एनीवेज उसके उसको लेके हमने प्रशासन को कई दरखास्त दी, रिप्रेजेंटेशन भेजे। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में उस फैसले को चुनौती दे दी। हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर जिसका आपने जिक्र किया, उसके तहत प्रशासन दबाव में आ गया और अपना फैसला वापस लेके नया फैसला कर दिया। इस बार फिर से किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया पेरेंट्स से। इस बार ऑर्डर दे दिया गया आनंद फानन में कि पेरेंट्स ट्यूशन फीस जमा कराएं। हकीकत यह है कि चंडीगढ़ में 5 पैसे का भी लाभ नहीं हुआ पेरेंट्स को इस फैसले से, क्योंकि बड़ी चालाकी से सभी प्राइवेट स्कूलों ने पिछले सालों में जो दूसरे फंड रहा करते थे फीस के, जिसको डेवलपमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, कंप्यूटर फीस वगैरह वगैरह, उन सबको ट्यूशन फीस में मर्ज कर दिया था। तो नाम का ट्यूशन फीस रह गया, लेकिन कंसोलिडेट करके पूरी फीस ही स्कूल अब मांग रहे हैं। कल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इनका हौसला और बढ़ गया। अब पेरेंट्स को दबा के खूब दबाव डाल रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, फ़ोन तक आने शुरू हो गए फीस जमा कराओ। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई स्कूल कह रहा है 50% पेरेंट्स ने फीस जमा करा दी। आज एक किसी स्कूल ने भेज दिया 85%, 85% ने जमा करा दी। सब झूठ है, सिर्फ एक माइंड गेम खेल रहे हैं पेरेंट्स का मनोबल तोड़ने के लिए, ऐसा ताकि हर पेरेंट को लगे मैं अकेला रह गया, बाकी सबने जमा करा दी। ये नितिन जी, अभी 2 दिनों से ये जो हंगामा अभी चल रहा है, जो अभी पेरेंट्स सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसका मूल कारण क्या है कि ये जो फीस के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है वही आप इसका एजिटेशन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं? दोनों बातें जुड़ गई ना, एक तरफ स्कूल दबाव बना रहे हैं फीस के लिए, दूसरी तरफ तंगी है, आर्थिक तंगी, हर घर जूझ रहा है। लोगों के पास घरों के मकान के किराए देने के पैसे नहीं है, तनख्वाह नहीं आ रही, कई लोग नौकरियां गंवा चुके, जो जिनकी नौकरी बच भी गई सैलरी में कट लग गए। इस हालात में चाहे कोई गरीब है या अमीर है, इस बात को समझिए, हर कोई अपनी सेविंग से, अपने पुरानी बचत से काम चला रहा है। नितिन जी, तर्क ये भी तो बनता है ना कि जो आप नौकरी गंवाने की बात करी या आर्थिक हालात की बात करी, तो स्कूल में जो स्टाफ होता है, चाहे वो टीचर है, ट्रांसपोर्ट स्टाफ है, या फिजिकल टीचर होते हैं, ट्रेनिंग जो और बहुत तरह के कर्मचारी होते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ भी तो ये हालात गुजर रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल भी तो ये तर्क देते नजर आ रहे हैं कि भाई हम कहाँ से सैलरी देंगे उनकी, जहाँ पे सरकार ने ये कहा हुआ है कि सैलरी नहीं काटी जाएंगी, तो फिर उनका भी तो शायद मैं समझता हूँ कि पक्ष ठीक है कि भाई हमें फीस लेनी है तभी तो हम अपने स्टाफ को दे पाएंगे। इसमें दो बातें हैं कि तमाम बिजनेस बंद हैं, रियायतें कुछ मिलने के बाद भी कई चीज़ें बंद हैं, वो भी तो अपना काम खुद चला रहे हैं। अब एयरलाइंस हैं, उन्होंने अपने पायलट को थोड़े नौकरी से निकाल दिया, वो काम चला रहे हैं।
होटल्स बंद पड़े हैं, उन्होंने अपने शेफ अपने वेटर्स को नौकरी से नहीं निकाला, मैं अच्छे होटल्स की बात कर रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो, ये तो बात है बिजनेस की, इंडिया में कानूनन स्कूल एजुकेशन बिजनेस नहीं है, ये चैरिटेबल काम है, ऐसा कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा। इसमें प्रॉफिट कमाना मुनाफाखोरी अलाउड नहीं है। कानून के तहत स्कूलों को अपनी बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अपनी वेबसाइट पर डालना है, ऑडिट करा के एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजना हर साल, वो नहीं हो रहा। अपनी बैलेंस शीट क्यों छुपा रहे हैं? इसीलिए कि इनके पास सरप्लस पैसा इतना पड़ा है, लगभग 15 स्कूलों की बैलेंस शीट हम बहुत प्रशासन पर दबाव बना के निकलवा पाए हैं, किसी के पास 25 करोड़ किसी 50 करोड़ की FDR रखी हैं। समाधान ये है, अपने सरप्लस में से स्कूल सैलरीज दें, हम नहीं चाहते किसी टीचर की नौकरी जाए या किसी की तनख्वाह में कोई नुकसान हो, उसमें से सैलरीज पे करें बजाय पेरेंट्स पे बोझ डालने के। बैलेंस शीट बाहर आने के बाद अगर कोई स्कूल ऐसा पाया जाता है जिसके पास सरप्लस फंड्स नहीं हैं, फंड्स की कमी है तनख्वाह देने के लिए, उस स्कूल से सैलरी की डिटेल मांगनी चाहिए प्रशासन को। मैं यहीं पे एक बार पंकज जी से यहाँ पे, क्योंकि बात चल पड़ी है फंड्स और इस सब की है कि भाई एक इनके पास अच्छा एक फंड होता है, पंकज जी इसमें आपकी कानूनी राय किस तरह से आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे इसमें ये पक्ष रखेंगे? देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली क्योंकि ट्राई सिटी है तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, तीन स्टेट हो गई पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, तीनों अलग अलग बोर्ड हो जाते हैं, तो एक जगह का फैसला होता है लोगों को सकता है लगता है कि सब जगह का वही फैसला है। अब जैसे कल ही हाई कोर्ट ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के मामले में फैसला दिया है कि इंटरिम फैसला है, वो भी फाइनल फैसला नहीं है, काइंडली समझने की जरूरत है कि फाइनल फैसला नहीं है जी। कोर्ट ने मीनवाइल कहा है 12 जून के लिए नोटिस कर दिया है और मीनवाइल कहा है कि पेरेंट्स 70% फीस जमा करा दें और टीचर्स को सैलरी भी 70% दी जाएगी, सिर्फ इतना काम है। बाकी 30% का क्या होगा? वो अभी पेंडिंग है पिटीशन, इसीलिए पेंडिंग है पूरा फैसला, उसकी हियरिंग आप कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में होगी। लेकिन अब क्या संशय बन रहा है, वह सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी यही लागू होगा, नहीं, चंडीगढ़ का एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, दोनों में कोई मिलान नहीं, हरियाणा का भी अलग है, तो ये कन्फ्यूजन तीन की बन रही है। तो ये जो ऑर्डर आया है 70% वाला, ये केवल मोहाली में लगेगा अगर अपन ट्राई सिटी की तो बात करेंगे। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन है, ये चंडीगढ़ की अलग है और पंजाब की नहीं, वह भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एक ही एसोसिएशन है जिसमें सारे स्कूल पार्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने दो अलग अलग केस करे हाईकोर्ट में, एक केस किया उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ, एक केस किया अलग से रिट दूसरे जज के लगी हुए, वह पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के खिलाफ। जो चंडीगढ़ के खिलाफ उन्होंने फैसला चैलेंज किया था वो पहले वाला फैसला किया था जो एक महीने बढ़ाने की बात थी फीस लेने की, वो चैलेंज किया था सिर्फ। तो लेकिन क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने वह फैसला बदल ही दिया और उनके हक में ही गएगा वह फैसला 31 मई तक दीजिए, तो उन्होंने फिर वो विड्रॉ कर ली पिटीशन। फीस बढ़ाने की भी कोई बात आई है कि फीस बढ़ रही है? फीस बढ़ाने की बात आई है लेकिन वह भी स्कूल संशय बना रहे हैं कि हमने नहीं बढ़ाई कह रहे हैं। पंजाब सरकार ने तो शायद मना कर दिया है कि जो हर साल शायद उन्होंने अलाउ किया हुआ था स्कूल्स को 8% बढ़ाने का, तो वो तो उन्होंने शायद मना कर दिया है कि इस साल नहीं बढ़ाएंगे। सरकारों ने सभी ने मना किया है जी, लेकिन हो क्या रहा है वो देखना जरूरी है। स्कूल मान रहे हैं इन ऑर्डर्स को? स्कूल मुंह जुबानी मान रहे हैं लेकिन रियलिटी में नहीं है। मैंने ही एग्जांपल हर एक की वेबसाइट पे फीस पैटर्न दिया हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, एक स्कूल में मैंने देखा पिछले साल की फीस और इस साल की फीस 9% का फर्क है, 9% राइज हो गई और वही फीस वो मांग रहे हैं आज, तो फीस इंक्रीज भी कर दिया आपने और उसमें सारी मर्ज भी कर दिए। पिछले दिनों ये बात आ रही थी कि जैसे अभी भी कहा गया है कि ट्यूशन फीस चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि आप ले सकते हैं, तो ये ट्यूशन फीस कैसे आप इसको देखते हैं? ओनली ट्यूशन फी वर्ड लिखा गया है कि ओनली ट्यूशन फी मार्च अप्रैल और मई की आपने देनी है, 31 मई थी, लेकिन ओनली ट्यूशन फी कहीं डिफाइंड ही नहीं है। सरकार ऑर्डर जरूर पास कर देती है लेकिन आप उसी ऑर्डर में फिर डिफाइन कर रही है, उसमें बहुत से जो चार्जेस होते हैं चंडीगढ़ स्कूलों ने सब ट्यूशन फी के अंडर ही मिला दी है, उसमें कंप्यूटर फी, डेवलपमेंट फंड, बिल्डिंग फंड सब कुछ इंक्लूडेड है, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया और एक फीस बना दी मंथली, उसको लेते हैं वो क्वार्टरली। अब जब मंथली लेने का बात हुई तो उसी को डिवाइड कर दिया तीन में, तो वो पूरी फीस मंथली फीस। यस, इसीलिए जो पंजाब का ऑर्डर किया है हाईकोर्ट ने, वो मेरी समझ से इसीलिए 70% इसीलिए कहा है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ट्यूशन फी में 30% भाग बाकी फंडों का है, तो 70% ठीक रहेगा लेना और अभी काम चलाना है, प्लस पेंडेमिक की टाइम है। मेरा मेन मुद्दा उस पिटीशन में ये है कि चंडीगढ़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा 31 मई तक आपने पेमेंट करनी है हर एक पेरेंट को, स्टूडेंट को कह दिया जी। अब 31 मई तक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान आप किसी को कैसे किसी चीज़ को फोर्स कर सकते हैं कि पे करें? हो ही नहीं सकता। मैं अगर देना भी चाहूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास सुविधा नहीं होगी पेमेंट करने की। प्रशासन ने पहले ही ऑर्डर भी दिया था कि लॉकडाउन तक कोई फीस ना ले, उसके बाद एक महीने का टाइम दिया था खुलने के बाद, चेंज कर दिया और अभी भी मुझे नहीं लगता 31 मई को भी खुलेगा लॉकडाउन, ये बढ़ना ही है। तो ये तारीख तय करना सबसे बड़ी गलती है 31 मई तक देने का, उसके बाद
क्या होगा, पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। और पेनल्टी कितनी है स्कूलों की, 100 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी है, तो वो तो मुनाफा कमा रहे हैं। प्लस जो फंड की आप बात कर रहे थे कि क्या स्कूल के पास पैसा नहीं है टीचर्स को सैलरी देने का, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक आम आदमी को समझ में आएगा। फरवरी मार्च में हर एक स्कूल फ्रेश एडमिशन लेता है जी। पहली क्लास जो उनकी होती है नर्सरी केजी या फर्स्ट, जो भी किसी स्कूल की, कम से कम 120 बच्चे होते हैं, 3 सेक्शन, 40 स्टूडेंट, 120 बच्चे मिनिमम। बाकी क्लासेस में भी दो तीन एडमिशन होती है जरूर। तो अपन एवरेज लगाएं तो 200 एडमिशन हर एक स्कूल में हर एक साल होते हैं फ्रेश। अब एडमिशन के टाइम जो फीस होती है सबसे ज़्यादा होती है, उसमें एडमिशन फी होती है 50,000, बिल्डिंग फंड, ये फंड, ट्यूशन फी 3 महीने की ली जाती है। तो एवरेज जो बनता है हर एक स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का चंडीगढ़ में, 1,00,000 रुपया पर स्टूडेंट एडमिशन फी है। और ये एडमिशन फी लाजमी देनी होती है, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फरवरी में ही, मार्च फर्स्ट वीक में बिफोर लॉकडाउन। तो 1,00,000 रुपये 200 स्टूडेंट के कितने हो गए सर, 2,00,000,000 रुपया हर एक स्कूल को बिफोर लॉकडाउन कैश में आया है। यहाँ पे सर एक फी रेगुलेशन एक्ट है, वो तो एक ये क्या है, ये अलग चीज है। लेकिन मैं पहले बात कर रहा हूँ कि कैश पड़ा है स्कूल के पास, कम से कम 6 महीने की सैलरी आराम से दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना चाहते, वे अपने जेब में डालने उन्होंने पैसे। अब जो ये बात आप फंड की कर रहे हो, चंडीगढ़ में एक रेगुलेशन एक्ट है कि आपका जो एफिलिएशन है वो तब तक बना रहेगा कि आपको वो दिखाना पड़ेगा। बहुत सी कंडीशन है, लेकिन ग्रे एरिया भी है। पंजाब ने एक एक्ट बनाई थी फी रेगुलेशन के लिए, जिसमें लिखा गया है कि हर एक स्कूल एक फंड बनाएगा जी, जिसमें सारे पैसे जो आएंगे उसमें क्रेडिट किए जाएंगे जी। और वो फंड आज की डेट तक, जैसे नितिन साहब ने बताया, करोड़ों में है, वो भी उसका यूटिलाइज नहीं करते, जबकि एक्ट में ये लिखा गया है कि ये फंड केवल बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो आज से बेहतर मौका क्या है बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट देने का? नितिन जी, क्या इस तरह की आपने बात पेरेंट्स का, आप क्योंकि आप लीड कर रहे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन चंडीगढ़ को, तो आपने प्रशासन से ये बात रखी, तो क्या जवाब मिला आपको? हमने प्रशासन पर जोर दिया था कि इसकी कंप्लायंस कराएं, बैलेंस शीट वाली बात पे, कि इनकी बैलेंस शीट निकलवाएं और फंड देखें। प्रशासन ने शुरुआत तो की थी, प्रशासन ने इनको आदेश दिया कि आप 30 अप्रैल का शायद तारीख दी थी कि तब तक आप अपनी बैलेंस शीट अपलोड करें, इन्होंने नहीं की। फिर 1 मई को हमने दोबारा चिट्ठी लिखी प्रशासन को कि बैलेंस शीट नहीं आई, तो इनको शो कॉज नोटिस इशू किया जाए। प्रशासन में शायद इतना दम नहीं है कि एक्शन ले, तो इनको 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया 8 मई तक का। 8 मई तक 2 स्कूलों की बैलेंस शीट आई, जिसमें से निकला कि एक बहुत छोटा स्कूल है 35 सेक्टर में, गुरुद्वारा चलाता है उसको, उस स्कूल में की बैलेंस शीट दिखाती है कि पूरे साल में उन्होंने 59,59,000 रुपए की सैलरी पे की और तमाम खर्चे काटने के बाद 50,51,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ केवल एक साल में। मुनाफा फंड में जाएगा केवल एक साल में। चलो हम तकनीकी बात ना करें, व्यूवर्स के समझने के लिए आसान भाषा में बात करने की कोशिश करूंगा। एक साल में 51 लाख मुनाफा हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगले 10 महीने तक अगर स्कूल कोई भी फीस ना ले तब भी अपनी सैलरी दे सकता है, खर्चे चला सकता है। वही बैलेंस शीट दिखा रही है कि उस स्कूल को 3,13,000 रुपए का ब्याज आया एफडी के ऊपर जी। इसका मतलब 40-45 लाख रुपए की एफडी भी है स्कूल के पास। तो ये बात प्रशासन को नहीं पता? प्रशासन को हमने नहीं भी पता, तो उनके आंखें खोलने के लिए लिख के हमने सब कुछ भेजा दोबारा कि ये दिख रहा है। अब तो शो कॉज नोटिस इशू करो, फिर भी शो कॉज नहीं किया, एक बहुत भाषा अपनी बल्कि और कमजोर कर दी, 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया। पंकज जी, शायद आपने लास्ट वीक मुद्दा भी उठाया था कि बैलेंस शीट क्यों नहीं मांगी जा रही है स्कूल से, तो ऐसा क्या कारण है कि स्कूल बैलेंस शीट नहीं देते? क्योंकि सारा कुछ सामने आ जाएगा कि हमारे पास पैसे हैं देने के लिए, इसलिए छुपा रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसीलिए नहीं अपलोड कर रहे। और यह कानून आज का थोड़ी है, शुरू से यह कानून, तो ऐसे समझ पिछले साल की बैलेंस शीट दिखा दीजिए। प्रशासन से बिल्कुल उलट है, प्रशासन बहुत कमजोर है स्कूल, और जितना भी कह रहा है उसके बाद भी इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ये कहती है हम प्रशासन की नहीं सुनते। नहीं, इसमें उन्होंने ये विड्रॉ करी है पिटीशन और कहा है कि हम नया ऑर्डर भी चैलेंज करेंगे, तो ऐसे में अभिभावक कहाँ जाएंगे फिर, जब प्रशासन ले देखे, प्रशासन ही तो है जो देखेगा इन चीज़ों को कि स्कूल किस तरह से रहे हैं या ना करें। इसी का नतीजा है कि आज अभिभावक सड़कों पर उतर गए हैं। मुझे डर है आने वाले दिनों में यह हिंसक ना हो जाए। हम बहुत समझा रहे हैं कि हम कानून के रास्ते पर चलें, लेकिन जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, मकाना किराया देने को पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? गलती प्रशासन की है, पहली नाराजगी हमारे प्रशासन से है। पिछले सालों में इन्होंने कानून को ठीक से पालन किया था, स्कूलों पर सख्ती की होती तो आज ये दिन ना आता। इन्होंने इनके लाड़ प्यार में स्कूल वाले आज इतने सिर पे चढ़ गए हैं, अब इनके सिर पे चढ़ के बैठ गए हैं और पूछ रहे हैं तुम होते कौन हो हमें सलाह देने वाले, तुम होते कौन हो जो हमें परमिशन देने वाले। अब हाईकोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई उसमें ये लिखा था कि तुम होते कौन हो, प्रशासन होता कौन है हमें ट्यूशन फीस लेने की परमिशन देने वाला, हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। ये नतीजा ढील का है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में चल रहे हैं। पर ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि जो अभी मुद्दा जिस तरह से अभी गंभीर होता जा रहा है,
आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है ये इसका कानूनी पहलू क्या होगा? अभिभावकों को क्या कोई रिलीफ मिल सकता है कानूनी? बिल्कुल, अभी कानूनी पहलू मैंने PIL करी है हाईकोर्ट में, जो नया ऑर्डर 31 मई तक फीस देने का है उसे चैलेंज किया है, और पहले वाला ऑर्डर वापस लगाने का जनहित याचिका आपने दायर करी है वह एंटरटेन। अब हाईकोर्ट ने रूल चेंज कर दिया कि पहले जवाब आएगा फिर सुनवाई होगी, तो मंडे या ट्यूजडे उसकी सुनवाई होगी। तो उसमें क्या आपने याचिका में मैंने यही बताया है कि स्कूलों ने इस बहाने से पैसे मांग रहे हैं कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, तो पहले तो मैंने ये क्लैरिफाई किया है कि पैसे हैं स्कूलों के पास। दूसरी बात, कानूनन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है पूरे इंडिया में, उसके तहत सरकारी अफसर और डिपार्टमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जिससे पब्लिक को राहत देनी है। तो जो स्कूल का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की हम नहीं सुनेंगे वह गलत है, अभी ही स्पेशल पावर्स एग्जिस्ट करते हैं। पंकज जी ने बात बहुत अच्छी कही कि प्रशासन या सरकारी अधिकारी इस बात का ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि अभी डिजास्टर एक्ट अभी लगा हुआ है। इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने कभी इस बारे में नहीं बात करी प्रशासन से? नहीं, हम खूब कर रहे हैं, हमने कल ही एक मिसाल के साथ भेजा है उनको। कल मैंने खबर सुनी थी, सभी टीवी चैनल पर चल रही थी, महाराष्ट्र सरकार ने सभी अस्पतालों के 80% बेड पर कब्जा कर लिया, टेक ओवर कर लिया, एकदम से किया। कभी कोई सोच सकता था प्राइवेट अस्पतालों ने इतनी लूट मचा रखी है, कौन सरकार करेगी? जब नौबत आई तो किया। तो ये काम प्राइवेट स्कूलों में क्यों नहीं हो सकता, जो आज इतने बस से बाहर हो गए हैं? सरकार को चाहिए उनको इमीडिएटली टेक ओवर कर ले, इस पेंडेमिक सिचुएशन में इनको इमीडिएटली टेक ओवर कर ले। किसी टीचर की नौकरी नहीं जाएगी, किसी का कुछ नहीं, वही टीचर स्कूल को चलाएंगे, वही पढ़ाएंगे, पेरेंट्स भी, फीस अपने आप कम हो जाएगी जब मुनाफाखोरी बंद होगी, सरकार टेक ओवर करेगा, हमेशा टेक ओवर कर ले। समाधान असम ये है। अभी नितिन जी, आपका नेक्स्ट कॉल फॉर एक्शन क्या होगा? अभी ऐसा है कि हम जो उन्होंने कंपिटेंट अथॉरिटी बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट फूड डिस्ट्रिक्ट फीड रेगुलेटरी कमेटी, हम उसको दबा के कंप्लेंट्स करा रहे हैं हर इंडिविजुअल स्कूल की एक एक करके, उनको मजबूर करेंगे और उसके तुरंत बाद हम हाईकोर्ट मूव कर जाएंगे। ये कंप्लेंट आप कहाँ करवा रहे हैं? मतलब ये फीस रेगुलेटरी कमेटी है। अच्छा, वहाँ फी रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो बनाई गई कंप्लेंट अथॉरिटी, वो है एक्शन लेने के लिए। हालांकि वो निकम्मी है, ये हम जानते हैं, वो अफसर ही है उसमें भी, वो निकम्मी है, वो काम नहीं कर रही है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेप हमें करना पड़ेगा। हाईकोर्ट सीधा जाने से पहले हमें करना पड़ेगा, उसके बाद हम तुरंत हाईकोर्ट मूव करेंगे। ऐसे लोग हैं जो नौकरियां गवा दी, जो खाने को पैसे नहीं है। कल एक पेरेंट का फोन आया था, मुझे शायद कहनी चाहिए कि नहीं, वो यहां तक कह रहा था कि मैं कुछ कदम उठाना चाहता हूं, मेरे बच्चों की कोई जिम्मेदारी ले लो, कोई बच्चों को गोद ले लो। कितना मुश्किल होता है ऐसे पेरेंट को समझाना संभालना। ऐसे लोगों को हम लेके हाईकोर्ट जाने वाले हैं। अब एक और मैं बात बता दूं, इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाई गई थी, आर्टिकल 21A स्पेशली इंसर्ट हुआ है, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है राइट टू एजुकेशन को, उसके तहत राइट टू एजुकेशन है। तो राइट टू एजुकेशन आज कहाँ है? फंडामेंटल राइट आप पैसों के बिना पे देंगे, और स्कूल अपने आप को जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वह चैरिटी कहाँ गई आज के दिन? इससे बेहतर मौका क्या है स्कूलों को अपनी दरियादली दिखाने का? इस एक्ट के तहत शायद प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं, वो ठीक बात है, लेकिन सरकार पे ये दायित्व है कि फंडामेंटल राइट आप किसी का नहीं हनन कर सकते, तो उसके तहत भी सरकार कानून पास कर सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भी एक्ट पास कर सकती है। स्कूलों ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने राइट तो ब्रीच नहीं किया क्योंकि वो ऑनलाइन के थ्रू शायद पढ़ाई करवा रहे हैं। सर, ऑनलाइन पढ़ाई क्या है? क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया में? ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कितने घरों में सर ऑनलाइन कनेक्शन है? सर, एक घर में 3 बच्चे हैं, एक कनेक्शन होगा, कैसे पढ़ेंगे 3 बच्चे? और ऑनलाइन के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, व्हाट्सएप पे शीट भेज देते हैं, पढ़ा कौन रहा है? पेरेंट टीचर क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें और कई दिक्कतें हैं। एक घर में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चों के लिए, दोनों स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, 2 लैपटॉप या 2 स्मार्टफोन चाहिए, 2 से 3 घंटे क्लास चली तो बुक हो गया, फिर पैसे की प्रॉब्लम, पहली दिक्कत। फिर जो लोग छोटे घरों में रह रहे हैं 1 BHK 2 BHK में, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा 2 बच्चों के लिए 2 कमरे डेडिकेट करना जहां पे शोर शराबा ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। तीसरा, बच्चे नर्सरी के बच्चे 10 साल से पहले, छोटा बच्चा कैसे पढ़ेगा? एक जोक चल रहा है व्हाट्सएप पे, जो बच्चे बाथरूम में से आवाज लगाते हैं मम्मी मैंने कर ली, उसको ऑनलाइन एजुकेशन देना एक इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इससे आगे मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ। हमने स्कूलों में एडमिशन लिया था उनकी फैसिलिटीज देखकर, उनका प्लेग्राउंड, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी उनकी लाइब्रेरी, उनके कंप्यूटर लैब, वो सब देख के। अब हम फैसिलिटी वो यूज नहीं कर रहे, ये दूसरा तर्क है। हम अफोर्ड कर सकते हैं तो भी हम उनका फीस का हक कैसे? वो एक हमसे एक चीज दिखाकर उन्होंने फीस तय की थी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा, आज वो कुछ और प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे मजबूरी में दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में उनका एक्सपर्टीज नहीं है, उनको आता नहीं कराना, अभी वो सीख रहे हैं, उनके टीचर सीख रहे हैं। अगर मुझे मेरे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन पैसे लेके ही देनी है तो फिर मुझे विकल्प मिलना चाहिए कि मैं वो कहीं से मिलूंगा, ऑल इंडिया अवेलेबल है, ऑल वर्ल्ड अवेलेबल है। इसमें बहुत अच्छी कंपनी है जो
कई सारी कंपनियां जो एक्सपर्ट है ऑनलाइन एजुकेशन देने की, फिर मेरी मजबूरी क्यों है कि मैं उसी स्कूल चलूं? भाई जिस दिन तुम अपना स्कूल खोल लोगे मैं लौट आऊंगा, पूरी फीस भी दूंगा, मैं तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ। जब तक स्कूल बंद है पूरी फीस का वैसे ही हक नहीं बनता, ये गलत बिल बच रहा है स्कूलों का सर, एक्सपेंसेस भी तो बच रहे हैं। क्या दलील दी जा रही है कि वो क्यों, हमारे पास पैसे नहीं है, सिर्फ यही दलील है। और टीचरों को सैलरी देनी है, एक सिंपथी गेन करने का तरीका है जो कि झूठ पे बेस्ड है। जैसे मैंने अभी ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया, करोड़ों रुपया आया है अभी और पहले का भी पड़ा है। आज कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ जो स्कूल्स हैं चंडीगढ़ के वो ये मैसेज के थ्रू अभिभावकों को भेज रहे हैं कि 80% ने जमा करवा दिया है, आप रह गए हैं। वही सर, भ्रम फैलाने की कोशिश, फायदा उठाने की कोशिश, पेरेंट्स का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं अकेला ना रह जाऊं, दिमाग से खेल रहे हैं पेरेंट्स के, मनोबल तोड़ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स सड़कों पर उतरने शुरू हो गए। अब उसको तोड़ने के लिए, पेरेंट्स की एकता को तोड़ने के लिए इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं जो बिल्कुल झूठ है। हर पेरेंट हर घर से परेशान है। अब तक प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा था कि हमारी कोई सुनवाई होगी, कुछ करेगा, कोई कोर्ट से सुनवाई होगी। तो ये जो आपने बताया जैसे फी रेगुलेटरी कमेटी जो है वहाँ पे आप कंप्लेंट्स करवा रहे हैं, तो अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद क्या? हम तुरंत हाईकोर्ट मूव करने वाले हैं। पंकज जी ने PIL की है, हम उम्मीद करेंगे, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि उसी में हाईकोर्ट संज्ञान ले और रिलीफ दे दे, कम से कम इस पे 31 मई की जो हमारे सिर पे तलवार लटक रही है उसमें स्टे लग जाए। ये जो स्कूल एसोसिएशन है पंकज जी, तो ये पंजाब में इन्होंने अलग तरह से रिट दायर की है और चंडीगढ़ की अलग, वही कंफ्यूजन। तो पंजाब में इनका क्या कहना है, पंजाब के स्कूलों का? मतलब सेम, सबका तर्क यही है कि हमें पैसे चाहिए फीस देने के, सैलरी देने के लिए, सभी का तर्क यह है। और प्रशासन ने जो आदेश पास किए हैं, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा, चाहे चंडीगढ़, सबने अलग अलग करे हैं, सभी गलत है। हमें तो पूरी फीस एकदम टाइम से चाहिए, नहीं तो लेट फी लगेगी, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सभी का तर्क वो है। पंजाब और चंडीगढ़ अलग इसलिए हुए क्योंकि ऑर्डर अलग है, स्टेट अलग है, केस भी अलग हुए हैं, पर एसोसिएशन एक है, एसोसिएशन एक ही है, उसी में सब स्कूल मेंबर हैं। तो आने वाले समय में अभी लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलने की है? मुझे तो देखिए पूरी उम्मीद है कम से कम तारीख बढ़ने की, मुझे आज भी फेथ है जुडिशरी पे। आज हम कैसे समझें कि 31 मई को वाकई पेरेंट्स को फीस जमा करवानी पड़ेगी? अगर हम इसे देखिए, जो आज का जो सिनेरियो है, मामला कोर्ट के सामने है तो कोर्ट ही संज्ञान लेके अपना फैसला देगी, लेकिन तर्क वितर्क देखते हुए होना चाहिए। तो आने वाले समय में, मतलब आपने बताया कि एक तो आप कमेटी में कंप्लेंट्स दायर कर रहे हैं और उसके अलावा फिर आपके पास विकल्प है, अगर कमेटी में तुरंत सुनवाई नहीं हुई तो हम कमेटी से मांगने वाले हैं कि कमेटी भी जब तक स्कूल का जवाब नहीं आता, फैसला नहीं करती, तब तक लेट फीस पे रोक लगा दे ताकि 31 मई की तलवार हमारे सिर से हट जाए। अगर कमेटी तुरंत संज्ञान नहीं लेगी तो हम भी तुरंत हाईकोर्ट मूव करेंगे। क्या PIL में आप इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि स्कूलों को बातें किया जाए बैलेंस शीट? नहीं, मेरा PIL में वह मुद्दा नहीं हो सकता क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मैं बैलेंस शीट स्कूलों की नहीं मांग सकता। मेरा मुद्दा सिर्फ सर जो लोगों को परेशानी है वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है, उसे दूर करने के लिए, और वो सबको जगव्यापी चीज़ है कि है परेशानी। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, नहीं तो मेरा पर्सनल इशू नहीं है, मेरे 12वीं पास कर गए हैं, नहीं तो मैं भी उसी जद्दोजहद में होता। तो मेरा सिर्फ तर्क ये है कि पेंडेमिक की सिचुएशन में सभी तकलीफ में हैं, और जैसा नितिन जी ने कहा कि इंडस्ट्री वाले भी तो अपनी एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हैं जबकि इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो स्कूल जहाँ की रिसेशन नहीं होता, जहाँ पैसे हमेशा आते हैं, कैश आते हैं, वह क्यों नहीं दे सकते अपनी सैलरी? कोरोना महामारी में कितना न्यायसंगत है माँ बाप का सड़कों पर उतर कर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना? स्कूलों के लिए लगातार हो रहे इस तरह के विरोध प्रदर्शन क्या प्रशासन या सरकार को नहीं दिखते? और अगर दिखते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? आज मजबूर हैं अभिभावक इस फीस के ऊपर जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, जिस परेशानी में अभिभावकों को डाला जा रहा है, और सुनवाई कहीं होती नज़र नहीं आ रही है। कभी प्रशासन, कभी कमेटी, कभी कोर्ट, इन्हीं चक्करों में फंसता नज़र आ रहा है वो पेरेंट जो केवल और केवल अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल गया था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई है स्कूल्स की कि इतने फंड अगर उनके पास हैं कि जो अगर 6 महीने या साल भर तक भी अगर बिना फीस लिए अपने स्टाफ को अगर दे सकते हैं, जैसा कि हमारे साथ उपस्थित गेस्ट हमें बता रहे हैं कि इस तरह के फंड्स स्कूलों में होते हैं, ऐसे प्रोविजन होते हैं अगर उन फंड्स के, तो क्यों मजबूर कर रहे हैं अभी अभिभावकों को इस डिजास्टर एक्ट के तहत जब देश बंद है? क्यों इस लॉकडाउन में स्कूल ऐसा दबाव बनाने को आतुर हैं जो कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रहे हैं? ये मुद्दा नहीं है, ये दुख है उस माँ और उस बाप का जो कि आज इस भीषण गर्मी में सड़कों पर उतरकर अपने बच्चों की अंधकार में जाती हुई शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं कि कृपया ऐसा ना करें।
अर्थ प्रकाश टीवी पर फिर मुलाकात होगी किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।